मैं अपने फ़ोन में से डेटा क्लियर कर रहा था तो मुझे मिली कुछ फुटेज जो मैंने एक व्लॉग के तौर पे रिकॉर्ड की थी जब मैं यहाँ से लंदन जा रहा था, और मैं वो व्लॉग बनाना ही भूल गया। तो अब जो है मैंने उस फुटेज को थोड़ा सा साथ में करके और एक व्लॉग बनाने की कोशिश करी है, और इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर आप इंडिया से लंदन जाते हैं या यूके जाते हैं, इतना एक्चुअली आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती है, क्या खर्चा वगैरह होता है, तो वो जो है हमने बताने की कोशिश करी है, और हमारा सफ़र जो है वो भी आपको थोड़ा सा दिखेगा इसमें, तो इन्जॉय कीजिए। हेलो गाइस, अभी 12 बजे मैं सो के उठा हूँ। 4 बजे मेरी कैब है, दिल्ली मुझे जाना है, और फिर रात को 2:30 बजे वहाँ से फ़्लाइट है अलमाटी के लिए। फिर अलमाटी में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अलमाटी से 11.25 घंटे की फ़्लाइट है लंदन के लिए। हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पर उतरेगी वो। ये अपन ने सामान वगैरह पैक किया है और 4 बजे कैब आ जाएगी, और लगेगा 4-5 घंटा जयपुर से दिल्ली पहुँचने में, तो मार्जिन लेके चल रहे हैं अपन, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। फ़्लाइट कितने की पड़ी? फ़्लाइट है रिटर्न अपनी 52,000 की, और 52,000 में आना जाना, मतलब आज है 4 तारीख, 4 मार्च है आज, और मैं वापस आऊँगा 21 मार्च को। तो अगर आप पहले से करा लेते हो इन एडवांस तो आपको जो है सस्ते में पड़ जाती है फ्लाइट। कैब का वेट हो रहा है, कैब आएगी, बैठ जाएंगे उसमें और चल पड़ेंगे दिल्ली की ओर। गाइस, कैब आ चुकी है, इनोवा, शानदार। इससे हम दिल्ली जाएंगे और डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे, टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट है। और कैब डिपेंड करता है, अब आप कैब कहाँ से ले रहे हो और आपकी फ़्लाइट कहाँ से है। कभी कभी डायरेक्ट फ़्लाइट भी होती है। अब जैसे हम ये कैब ले रहे हैं जयपुर से जा रहे हैं दिल्ली, तो कुछ 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा इसका है। बट डायरेक्ट एयरपोर्ट पर उतरेंगे और हम फ़्लाइट पकड़ लेंगे, मतलब वहाँ कोई स्टे वे नहीं है हमारा ऐसा कुछ। चल चुके हैं अब दिल्ली की तरफ। ये आपके श्रेय भाई और गौरव भैया, हाय बोल दो पीछे एक बार देख। तो हम जा रहे हैं अब दिल्ली, वहाँ पकड़ेंगे फ़्लाइट, थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे यूके। बीच में अलमाटी पे स्टॉप है, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर मुलाकात करते हैं आपसे। एयरपोर्ट आ चुके हैं, गौरव सर को दिखाइए, बोर्नमथ आर्सेनल देख रहे हैं, हमारा भी लीड्स और चेल्सी चल रहा है, हार भी रही है आर्सेनल बोर्नमथ से। तो चेक इन करने के बाद बात करते हैं आपसे। जब अभी आर्सेनल 3-2 जीती है, रीस नेल्सन ने गोल मार दिया है, बोर्नमथ से मैच था और 2-0 से कमबैक कर लिया है। कुछ तो बोल भाई। और इस मोमेंट पे हमारे गौरव भाई को लगा कि आर्सेनल लीग जीत जाएगी। लॉल, कुछ तो यार। इसको भरोसा नहीं हो रहा और हमें भी भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन हम खुश हैं भाई। हम मैं और श्रेय भाई खुश हैं, लीड से जीत गए हम बहुत टाइम बाद। तो गाइज, हमारा चेक इन वगैरह पूरा हो चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो अभी बज रहा है रात का 1 और 2:30 बजे हमारी फ़्लाइट है अलमाटी के लिए, फिर अलमाटी से हम जाएंगे लंदन। और ये मेरे साथ ही हैं, मेरे बहुत खुश चेल्सी फ़ैन, आर्सेनल फ़ैन, चेल्सी फ़ैन, दोनों ही टीमें जीती हैं आज। तो आगे का हाल आपको बताएंगे। बट एयरपोर्ट पे क्या किया, तो एयरपोर्ट पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिनमें लाउंज फैसिलिटी, तो आप उसका इस्तेमाल करके लाउंज में जा सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं कुल मिला के। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी से ज़रूर पूछिए कि मुझे इसमें लाउंज का एक्सेस है क्या, और नहीं है तो ले लीजिए, काफ़ी काम की चीज़। तो गाइस, हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और आप जैसा देख सकते हैं गौरव भाई और श्रेय भाई भी हमारे साथ। अरे सॉरी, ब्राउजिंग चल रही है, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ कुछ बोल रहे हैं। 4 घंटे की फ्लाइट अभी है, उसके बाद 4 घंटे का लेओवर है, फिर 11 घंटे की फ्लाइट। बाप रे, बहुत बड़ा ट्रैवल है। मिलते हैं गाइस, अब अलमाटी आ चुके हैं और बहुत ठंडा है यहाँ पे, और अब जो है 3.5 घंटे के बाद 11 घंटे की फ़्लाइट है हमारी, और वो हम फ्लाइट पकड़ेंगे और टोटल जो हमारा ट्रैवल है वो 30-32 घंटे का हो जाएगा। तो लंदन पहुँचना ऑन अ बजट इज़ मौत का खेल। गाइस, हम बड़ी मशक्क़त के बाद अब हमारी अलमाटी से जो लंदन की फ़्लाइट है उसमें बैठ चुके हैं। श्रेय भैया इधर देखिए, तो अब हम जाएंगे लंदन और सीधा हीथ्रो में उतर के आपको जो है चित्र पहुंचाएंगे वहां से। गौरव भैया, नींद आ रही है, चलो ध्यान रखो सब। गाइस, हीथ्रो एयरपोर्ट आ चुके हैं, लंदन आ चुके हैं, गेस करो हम कहाँ हैं। हमें लंदन सामान ले लिया है और जा रहे हैं अब अपने दोस्त के घर, वहां पे थोड़ा चिल करेंगे और फिर मिलेंगे।
गाइस अब हम हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, ट्यूब बोलते हैं इसको इधर, और आप यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आप आराम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। वो 40 से 45 मिनट का आपको समय लगेगा, मतलब काफ़ी सही बना हुआ है लंदन और कनेक्टिविटी बहुत सही है। तो एक ऑयस्टर कार्ड आता है, उसमें आप कुछ भरवा लीजिए और बैलेंस, और फिर उसके बाद आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, और वही है जो नॉर्मल मेट्रो का चार्ज लगता है। तो जैसे आप 50 पाउंड में पूरे दिन भर का आप कम्यूट कर लेंगे, मतलब जहाँ पे भी आपको जाना है। जैसे अब ये हम यहाँ से स्टैमफर्ड ब्रिज जा रहे हैं, तो हो जाएगा उतने में। तो ये है, तो चलिए बाय बाय गाइस। हम फुलम ब्रॉडवे स्टेशन उतर चुके हैं और अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। गाइस फुलम ब्रॉडवे स्टेशन से इस डायरेक्शन में 10 मिनट की वॉक पे है स्टैमफर्ड ब्रिज भाई साहब, और सब कुछ देखो, सब कुछ चेल्सी चेल्सी है यहाँ पर। ये फुलम ब्रॉडवे है, और जैसा आप देख सकते हैं प्राइड ऑफ लंदन, चेल्सी एफसी, बेन चिलवेल, आगे ऐसे ही कुलेबाली का पोस्टर भी है, वेस्ली फोफेन, वेस्ली फोफाना, और हाय हाय बोलिए श्रेय और गौरव सर। हम जा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है श्रेय, फाइनली बचपन का सपना पूरा हो रहा है? करेंगे भाई बात करेंगे अभी कम बैक टू अभी भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। Oh my god guys, guess karo, here we are oh my god, here we are guys। तो ये था हमारा सफ़र जयपुर से पहुंचने का लंदन तक, स्टैमफर्ड ब्रिज तक। तो मेन जो देखिए खर्चा है आपका, अगर आप लंदन ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, तो मेन खर्चा जो होता है आपका लॉजिंग का होता है, आप कहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि लंदन में स्टेज बहुत महंगे हैं। अगर आप एक थोड़ा भी ठीक होटल अगर आप चुनेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो वो एक आपका मेजर चंक होगा ट्रैवल का अगर आप यूके जा रहे हैं। तो हम लकी हैं कि हमारा वहाँ पे फ्रेंड रहता है, तो हम उसके यहाँ जाके स्थापित हो गए 18 दिन के लिए। लेकिन जब आप बजट बनाएंगे अपनी ट्रिप का, तो आपको स्टे का वो बहुत ज़्यादा उसमें वेटेज देना पड़ेगा। स्टे जो है बड़ा मुश्किल होता है यूके में, आसान नहीं होता है स्टे सस्ते में करना वहाँ पे, तो वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैनेज होती है। जहाँ तक मैच टिकट्स की बात है, तो एवरेज जो मैच टिकट होती है वो लगभग होती है 50 से 70 पाउंड के बीच में आपको एक प्रीमियर लीग मैच की मिल जाती है। जो चैंपियंस लीग मैच होता है उसकी और महंगी होती है। तो जैसे अगर हम चैंपियंस लीग मैच की बात करें, तो आपको अगर नॉकआउट मैच देखना, अब ये भी डिपेंड करता है कि किस टीम के अगेंस्ट है, कौन सी स्टेज में मैच हो रहा है। तो जैसे अगर राउंड ऑफ 16 के हम मैच की बात करें, तो आपको 20-22 हज़ार रुपये के आसपास वो टिकट पड़ेगी। अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं, 20-22 हज़ार रुपये की वो एक टिकट पड़ेगी आपको। और अगर आपके पास किसी सीजन टिकट होल्डर का एक्सेस है, या आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी क्लब में काम करते हैं, तो वो आपको सस्ते में दिला सकते हैं। अब बुक कहाँ से कराया जाए, अब हमने यहाँ से बुक कराई थी। अब जैसा दिख रहा है कि अभी अगस्त में मैच है और सिर्फ 1659 टिकट्स बची हैं, 1659 टिकट्स ही अवेलेबल है, और 178 से स्टार्ट होती हैं, और ये महंगी होती जाएंगी जैसे जैसे आप अगर बेहतर सीट्स और बेहतर व्यू के लिए आप जाएंगे। लेकिन ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे महंगी टिकट देखते हैं, यहाँ पे मतलब 75,000, 70,000, 80,000, लगभग 90,000 रुपये की टिकट भी है जो सबसे महंगी टिकट मिल रही है यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन है, तो ये भी आप
आपको मतलब अपने बजट के हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेस्ट रहता है। मैं लिंक जो है इसका डाल दूंगा, ये वेबसाइट है वैसे livefootballtickets.com। तो गाइज ये था हमारा सफ़र और ये था एक ब्यौरा छोटा सा कि कितना खर्चा हुआ, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेन जो है अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टे अगर आपने सॉर्ट कर लिया तो आपका ट्रिप काफ़ी आसान हो जाएगा, बाकी तो मतलब जो खर्चा होता है वो तो होता ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।